हेलो गाइज, वेलकम टू चेतन टेक टिप्स। यार गाइज, आज का वीडियो है जो कोलेब्रेशन वीडियो होने वाला है, वीडियो बहुत खास होने वाला है। ठीक है, आज के वीडियो में जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं आई एम टेक्निकल यूट्यूब चैनल के फैज भाई, जिनका जो है साथ में हम कोलेब्रेशन मिलकर बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है कुछ टिप्स देंगे जिससे कि जो है अपने चैनल को आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हो और 1000 जो है सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे कर सकते हो। ठीक है, इसमें दो टिप्स जो है फैज भाई देंगे, वो उनके लिए जो है मैं दो टिप्स और दूंगा। कुल मिलाकर इसमें चार टिप्स आपको मिलने वाली है जिससे कि जो है आपका सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगा। तो यार बिना देर करते हो जल्दी से जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, दिस वीडियो इज इन कोलेब्रेशन विद चेतन टेक टिप्स। तो यार सबसे पहले जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चेतन भाई का कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर आने का। तो अब गाइज मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा वीडियो किस बारे में है। तो गाइज, आज चेतन भाई और मैंने कोलेब्रेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा है क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टोटल 4 टिप्स, जिसमें से 2 मैं आपको बताऊंगा और 2 जो है वो चेतन भाई आपको बताएंगे, जिससे कि आप लोग गाइज कंप्लीट कर सकें 1000 सब्सक्राइबर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में। तो हे गाइज, मेरा नाम है फैज, आप देख रहे हैं आई एम टेक्निकल, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये कंटेंट चेतन भाई के चैनल पर पसंद आता है तो मेरे चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से जाकर मेरे चैनल को भी जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस, मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एकदम एंड तक देखना है, जिससे कि जो भी बातें चेतन भाई और मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ सके, और जब चैनल पर इम्प्लीमेंटेशन आप करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बाजू वाले नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, जिससे कि आप हमारे आने वाली वीडियोस देख पाओ सबसे पहले। साथ ही साथ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को कर दो लाइक। और गाइस, लाइक टारगेट से याद आया, आज का लाइक टारगेट है गाइस 90 लाइक्स। तो मैं जानता हूं गाइस आप लोग इस लाइक टारगेट को भी जो है कंप्लीट करा ही दोगे। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार फैज भाई से सबसे पहला मेरा सवाल है कि यार पहले ही अपनी टिप दीजिए यार, जिसके थ्रू हमारे जो सब्सक्राइबर को बताइए कि अपने सब्सक्राइबर है जो जल्दी से जल्दी पूरे कर सकते हो। तो यार फैज भाई बताइएगा, आप नए ऑडियंस के सामने रखिएगा कि वो कौन सा तरीका है, जो पहला तरीका है जिससे कि आप जल्द से जल्दी अपना सब्सक्राइबर पूरे कर सकते हो। सो गाइज, अगर मैं आपसे बात करता हूँ पहले टिप के बारे में, उसमें गाइज थोड़ा सा हार्ड वर्क भी है और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी है। अब हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा अगर सक्सेस अचीव करनी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से अगर हार्ड वर्क करोगे तो वो हार्ड वर्क भी जो है वो आसान हो जाता है। अब गाइज, आपको दिन की 2 वीडियोज बनानी है। जी हाँ गाइज, 15 दिनों तक आपको जो है वो दिन की 2 वीडियोज बनानी है। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो यार तुम लोगों को कोई ज्यादा काम भी नहीं होगा, तो तुम लोग जो है वो दिन की 2 वीडियोज बहुत ही आराम से बना सकते हो। अब तुम लोगों को गाइज दिन की 2 वीडियोज ऐसे नहीं बनाना है जैसे कि भीड़ ना रही है, तुम लोगों को अलग तरीके से 2 वीडियोस बनानी है। अब तुम लोगों को क्या करना है मैं बताता हूं। जिस भी टॉपिक पर गाइस तुम लोग वीडियो बनाना चाह रहे हो उसको यूट्यूब पर सर्च करो और देखो कि पिछले एक वीक की जो वीडियोस बनी हैं इस टॉपिक पर क्या उन पर व्यूज आए हैं, और जो व्यूज आए हैं उस चैनल को जाकर चेकआउट करो और देखो कि क्या ये जो व्यूज हैं ये इसके एवरेज व्यूज से ज्यादा हैं। एग्जांपल देता हूं गाइस, आप लोगों ने सर्च करा हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर इन 15 डेज। अब आप देखो कि 7 दिन पहले इस बंदे किसकी वीडियो जो है वो रैंक करी है। अब जिस जिसकी वीडियो रैंक करी है आप उसके चैनल पर जाओ, वहां पर जाओ गाइज, देखो कि भाई क्या इसके व्यूज जो है वो एवरेज व्यूज से ज्यादा आए हैं या नहीं। अगर आए हैं तो वीडियो बना दो, और नहीं आए हैं तो वीडियो मत बनाओ। और एक और मॉडिफिकेशन बताता हूं कि आपको जो है वो सिमिलर टैग्स यूज करने हैं जो कि उस बंदे ने यूज करे हैं जिसके पिछले 7 दिन में उसके एवरेज व्यूज से ज्यादा व्यूज आए हैं। तो गाइज ये तो थी पहले टिप, अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड टिप की तरफ। तो यार जैसे कि हमारे ऑडियंस के सामने फैज भाई ने अपना जो तरीका रखा, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे सुन के कि यार ये आप भी जो है अपने यूट्यूब चैनल के साथ करके देखेगा। तो बढ़ते हैं यार फैज भाई के नेक्स्ट जो क्वेश्चन का मैं पूछना चाहता हूँ कि यार दूसरा तरीका बताइएगा फैज भाई यार, जिससे कि हम अपना यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो यार बता दूं, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है आई एम टेक्निकल यूट्यूब चैनल, तो जैसे कि यार मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से देखिएगा। तो आइए चलते हैं फैज भाई से दूसरे जो है सवाल का जवाब जानते हैं। तो गाइज, पहली टिप का इस्तेमाल मस्ट करना
दोबारा बता देता हूँ, पहले टिप का इस्तेमाल कर लेना, उसके बाद ये सेकंड टिप मेरी सुन लो। तो यार सेकंड टिप में तुम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपनी जो शुरुआत का एक मिनट है वीडियो का उसमें गाइस कुछ भी करके ऑडियंस को मतलब बनाकर रखना है। मतलब कुछ ऐसा करना है कि यार तुम लोगों की जो है वो वीडियो में कम से कम जो ऑडियंस है वो एक मिनट शुरुआत के बने रहे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। तो गाइस अगर तुम लोगों को अपनी वीडियो रैंक करानी है, जब तुम्हारी वीडियो रैंक करेगी या फिर सजेस्टेड वीडियो में जाएगी तो वहां से व्यूज आएंगे। अब गाइस जब व्यूज आएंगे तो ही तो सब्सक्राइबर आएंगे, लेकिन अगर व्यूज नहीं आएंगे तो यार सब्सक्राइबर्स कहां से आएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गाइस तुम लोगों को अपनी वीडियो की शुरुआत का जो एक मिनट है वो बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड करना है। अब गाइस ये तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, अब ये तो हर यूट्यूबर बताता है लेकिन तरीका कोई नहीं बताता। मैं तुम लोगों को तरीका बताता हूं कि कैसे तुम लोगों को अपना शुरुआत का एक मिनट एकदम प्रोफेशनली रिकॉर्ड करना है। तो यार तुम लोगों को जो है वो एकदम अच्छे से तैयार वैयार होकर बैठना है। ऐसे नहीं बैठना है कि भाई बाल तो तुम्हारे कहीं जा रहे हैं, आवाज तुम कहीं बोल रहे हो, देख कहीं और रहे हो, बिल्कुल प्रोफेशनली कॉन्फिडेंटली जो है अपनी वीडियो में बोलना है। अब गाइज जब तुमने ये वाला स्टेप कर लिया तो सेकंड स्टेप बताता हूँ। तो जब तुम गाइज अपनी वीडियो में कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो उसके बाद गाइज तुम लोगों को एक लाइन अपनी वीडियो में ज़रूर बोलनी है, और ये शुरुआत के 30 सेकंड में बोल दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइज तुम लोगों को बोलना है कि आप लोगों को इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है, जिससे कि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ में आ सके जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यार तुम लोगों को ये लाइन ज़रूर बोलनी है, इससे गाइज कोई वीडियो तुम लोगों की एक मिनट देख रहा था तो वो एक मिनट 10 सेकंड या फिर एक मिनट 20 सेकंड देखेगा। तो इससे यार तुम लोगों का वॉच टाइम इंक्रीज होने वाला है, और हो सकता है गाइस कोई कोई तुम लोगों की वीडियो को 50% से ज़्यादा देख ले, जिससे कि यार तुम लोगों की वीडियो सजेस्टेड में चली जाए और रैंक कर जाए और तुम लोगों की वीडियोज़ पर व्यूज़ की एकदम से बाढ़ आ जाए। तो यार इस टिप को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यार व्यूज़ तो बहुत आने वाले हैं, और अगर वीडियो तुम लोगों ने प्रोफेशनल रिकॉर्ड कर रखी है जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, कॉन्फिडेंटली बनानी है और अच्छे से तैयार होकर बनानी है, बाल बाल सेट रखने हैं और कैमरे में देखकर बोलना है, एकदम बिना घबराए बोलना है, तो यार हो सकता है तुम लोगों के सब्सक्राइबर 1000 क्या 1,00,000 हो जाएं, वो भी 15 दिनों में। तो फैज भाई ने जैसे कहा हुआ था कि जैसे कि फैज भाई ने अपने दो सवाल आपको बताए, ठीक है, अब दो टिप्स मैं देना चाहूंगा। देखिए यार दो टिप्स मैं एक साथ दूंगा, मैं बता दूं यार आपने क्या करना है। देखिए सबसे पहली बात आती है, जब आप वीडियो शेयर करते हो यार ऐसे इंसान के साथ शेयर मत कीजिए जो आपकी वीडियो को पूरा नहीं देखता है। आप देख सकते हो मेरी यूट्यूब चैनल पे जो है वीडियोस कम होंगी, चाहे उसमें जो है आपका देख सकते हो व्यूज कम होगा, पर वो कहीं ना कहीं जाके आगे चलकर रैंक हो जाती है क्योंकि मैंने किसी को शेयर नहीं किया होता है। देखिए यार किसी को हम शेयर करते हैं वो हमारी वीडियो को प्ले आधा करके छोड़ देता है, इससे जो है हमारा ऑडियंस रिटेंशन खराब होता है, तो इससे हमारा वीडियो ग्रो नहीं होता है। तो यार ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑडियंस को कितने टाइम तक आप अपने यूट्यूब चैनल पर बनाए रखते हो, अपनी वीडियो पर बनाए रखते हो, यही जो है सबसे बड़ी ट्रिक है और यही एक प्रो ट्रिप है। ठीक है, आपने प्रो ट्रिक जो है अपनी ये अपने यूट्यूब चैनल पे लगाई तो आपका चैनल 100% ग्रो होगा। तो यार वीडियो में बस इतना ही था, कोलैबोरेशन बहुत बढ़िया हुआ हमारे फैज भाई के साथ। तो दो शब्द जो है हमारे फैज भाई एक बार और कहना चाहते हैं, तो उसके बाद जो है वीडियो को हम खत्म कर देंगे। और एक बार फिर से याद दिला दूं यार, मेरे चैनल का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से जाकर मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। और हाँ एक चीज और बता दूं कि अब तो मैंने क्रिएटर सीरीज भी शुरुआत कर दी है, तो यार तुम लोग जो है वो वहां पर जाकर क्रिएटर सीरीज का ये मजा ले सकते हो, और वहां पर मैं तुम लोगों को अपने आप ही नहीं बहुत से यूट्यूबर्स को भी लेकर आऊंगा जो कि तुम लोगों को तरह तरह के यूट्यूब पर ग्रो होने की टिप्स भी देते रहेंगे। तो गाइस यार कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और आई एम टेक्निकल यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाओ यार उनकी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस वगैरह वॉच करो, बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल है। तो और कमेंट करना कि कोलैबोरेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।